वो हम ड्यूटीरो स्टॉर्म करेंगे, और ड्यूटीरो स्टॉर्म में भी हम जो है इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को पढ़ेंगे। तो प्रोटोस्टॉम, या जब हम आर्थ्रोपोड की बात करते हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर ओवरऑल हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें इंसेक्ट ही हमारे मोर देन 50% हैं। तो मोर देन 50% इंसेक्ट हैं, तो आर्थ्रोपोड टोटल जो है वो 60% से भी ज़्यादा होंगे। यानी कि इस ग्राफ में आप देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो, तो मोर देन जो है वो 60% जो है वो क्या है, वो टोटल जो है आर्थ्रोपोड हैं। तो इतने बड़े फाइलम को हम जो है एक लेक्चर में नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए कोशिश मैं करूंगी कि दो जो है लेक्चर हो जाएं, और अगर उसमें भी कंप्लीट ना हुआ तो इसके तीन लेक्चर होंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट ये वाला जो लेक्चर है, इसमें हम इसके जो है ओवरऑल जो आर्थ्रोपोड हैं उनके जनरल करेक्टरिस्टिक, यूनिक करेक्टरिस्टिक, और उसमें खसूसन उनकी जो है वो सक्सेस है कि वाई इंसेक्ट आर वाई आर्थ्रोपोड आर मोर सक्सेसफुल एंड हैव अ ग्रेट डाइवर्सिटी, तो उसका जो रीज़न है वो देखेंगे। इसके अलावा हम इनके जो है एग्जोस्केलेटन को देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे, और यानी कि ये ओवरऑल, यानी अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें तो ये चीज़ें स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हम जो आपके साथ में इसकी क्लासिफिकेशन, जो कि जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, और क्लासिफिकेशन जो है वो आर्थ्रोपोडा की होगी और उसके अंदर फिर इंसेक्ट की अलहदा से होगी। और अगर हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ने बैठ जाएं तो वो इतनी कंफ्यूज आपको करेगी कि आप जो है वो उसको बोर बोर हो जाओगे और उसको छोड़ दोगे। तो मैंने क्लासिफिकेशन में भी कुछ इस तरह किया है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब फाइलम तो मैंने सारे ही जो है आपके साथ डिस्कस करने हैं आर्थ्रोपोड के, उसके बाद उसकी क्लासेस करेंगे, और क्लासेस के बाद जो ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर जस्ट मैंने इंसेक्ट के जो है वो आपको आपके साथ जो है शेयर करने, और वो इंसेक्ट के ऑर्डर भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करने, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर विद एग्जाम्पल वो आपके साथ करेंगे। और फिर जो लास्ट का लेक्चर होगा उसमें हम इंसेक्ट को क्लासिफिकेशन पहले कर लेंगे और फिर उसके इंसेक्ट पे आ जाएंगे, यानी हेक्सापोडा। तो हेक्सापोडा मीन ये हमने इंसेक्ट को फिर पढ़ेंगे, फिर उस इंसेक्ट में हम उसके करेक्टरिस्टिक भी देखेंगे और उसका कंपैरिजन भी करेंगे बाकी आर्थ्रोपोड के साथ कि वो किस तरह डिफरेंट है, और फिर उन इंसेक्ट का जो है उसके एनाटॉमी स्टडी करेंगे, यानी उसके डिफरेंट सिस्टम को पढ़ेंगे, और फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट देखेंगे, हार्मफुल इंसेक्ट देखेंगे, उनके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस करेंगे। तो वो डिफरेंट जो है वो उसको करूंगी, लेकिन आपने बुक को साथ साथ पढ़ते रहना है, मिलर एंड हार्डले से, आपने साथ जो है हिटमैन से, उसके जो न्यू एडिशन है अगर उनको आप पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको यहाँ पे डायग्राम सही तरह से नजर नहीं आएगी, आपको उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वो बुक्स जो है अपने पास रखें, लेक्चर के दौरान जो है उनको साथ साथ जो है वो कंसल्ट करते जाएं। तो हम आर्थ्रोपोड के देखते हैं यूनिक करेक्टरिस्टिक, और आर्थ्रोपोड जो है वो उनकी डाइवर्सिटी को भी देखते हैं। तो आर्थ्रोपोड का जो है ओवर 30 to 50 million स्पीशी, यानी कि ये भी हम अभी जो है ये वो हैं जो नॉन हैं, तो अभी हमें नहीं पता कि टोटल इनकी स्पीशी कितनी है, क्योंकि आए दिन अगर हम इसको कंपाइल करने बैठे तो साइंटिस्ट के मुताबिक ईच डे 5 new species आर डिस्क्राइब्ड, कि नई जो है वो 5 स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो रही है इनकी। और ये लार्जेस्ट फाइलम है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अगर हम फाइला देखें तो उसमें लार्जेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि 60% जो है वो कवर्ड है किससे, आर्थ्रोपोड से। और जो है ये वैरायटी है, और हर तरह के इन्वायरमेंट में आपको आर्थ्रोपोड मिलेंगे। अगर आपसे पूछें कि कौन से इन्वर्टिब्रेट हैं, जो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना पाए जाएं, जहां लाइफ पॉसिबल होगी वो वहां पाए जाएंगे, तो आप क्या कहोगे, आर्थ्रोपोड। अंडरग्राउंड ये मिलेंगे, जहां तक ऑक्सीजन जाती है, जहां तक लाइफ पॉसिबल है वहां पर ये ग्राउंड के नीचे होंगे, टेरिस्ट्रियल होंगे, और टेरिस्ट्रियल में भी हर तरह का इन्वायरमेंट ये बेयर करेंगे, चाहे वो हार्श इन्वायरमेंट है, चाहे वो बहुत -degree centigrade पर भी है तो वहां पर भी हमें मिलेंगे। इवन जो है एयर में ये मिलेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट हैं फ्लाई करते हैं और वो एयर में पाए जाते हैं, इन्होंने कंपटीशन अपना कम रखा हुआ है, एक ही जगह पर नहीं है, कंपटीशन को कम करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो है इन्वायरमेंट्स जो है वो अवेल किए हैं।
इसके अलावा हमें मोस्टली जो आर्थ्रोपोड है वो एक्वेटिक मिलेंगे, तो एक्वाटिक में भी यानी कि मैरीन वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, और मैरीन वाटर के भी हर टाइप में, यानी कि वो हमें डीप उसमें बॉटम में भी मिलेंगे, डीप सी में भी मिलेंगे, और शेलो वाटर में भी मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में भी मिलेंगे, इसी तरह ब्रैकिश वाटर में हमें ये मिलेंगे, और इसी तरह फ्रेश वाटर में। तो जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है वहाँ पर आर्थ्रोपोड है। एक हम ट्री को भी, उसकी एक शाख को भी एक पकड़ के हम उसको जो है वो थोड़ा सा उसको वाइब्रेट करें तो उसमें से पता नहीं कितनी डिफरेंट स्पीशी के जो इंसेक्ट हैं या आर्थ्रोपोड हैं वो नीचे गिरते हैं। तो जहाँ जहाँ लाइफ जो है वो पॉसिबल है वहाँ पर ये हैं। तो एक तो इनकी सक्सेस का राज ये है जो आगे हमने देखना है कि आर्थ्रोपोड जो हैं वो क्यों जो है वो फेमस हैं या क्यों उनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। तो एक तो वजह ये भी है। तो जैसे मैं हर दफा कहती हूँ कि फाइलम के नाम में ही उसका आंसर होता है आर्थ्रोपोडा, पोडा मीन इसके अपेंडेजेस, आर्थ्रो मीन जॉइंटेड। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले जितने भी हमारे हैं वो हमारे जो है जॉइंट रखते हैं। इनके सिर्फ अपेंडेजेस नहीं, इनकी पूरी बॉडी आपको जॉइंटेड मिलेगी। अगर उसमें हमें अपेंडेजेस में हम बात करते हैं एंटीना की, तो वो हमें जो है एंटीना इसके जोड़दार मिलेंगे। अगर हम इस बात करते हैं लेग्स की, बात करते हैं पेडीपल्प की, बात करते हैं चेलिस्ट्री की, बात करते हैं ये डिफरेंट इनके पार्ट्स हैं, तो वो सब हमें जो है जॉइंटेड मिलेंगे। ये सेगमेंटेड इनकी बॉडी मिलेगी, तो ये इनके जॉइंट्स होंगे। ये भी इनका आगे सक्सेसफुल, ये इनकी अडेप्टेशन है, तो उसको हम आगे देखते हैं। बाकी जैसे मैंने आपसे बताया, आपको बताया कि ये लास्ट प्रोटोस्टोम है, मल्टी सेलुलर है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, और सीलोमेट में भी कौन से हैं, शिजोसीलस मीन प्रोटोस्टोम, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और वो भी इंतहाई कॉम्प्लेक्स। हर सिस्टम हमें इनका कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जस्ट इनका सर्कुलेटरी है वो सिस्टम है वो ओपन मिलेगा, अदरवाइज हर सिस्टम हमें इनका क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो सिलोम इनकी है बट रिड्यूस्ड, जैसे हमने पीछे मोलस्क की पढ़ी थी कि उनकी रिड्यूस्ड सिलोम है, ऐसे इनकी भी क्या है, रिड्यूस्ड सिलोम है। इनके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक जो है वो मोलस्क से मिलते हैं, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक इनके एनिलिड से मिलते हैं। एनिलिड की तरह ये जो है सेगमेंटेशन रखते हैं, लेकिन ये साथ टैगमेंटेशन का प्रोसेस भी रखते हैं, टैगमाटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी ये रखते हैं, उसको देखते हैं। और इनका यानी कि हीमोसील का जो ये सिलोम का लिमिटेड होना, ये इनका मोलस्क से मिलता करेक्टर है, मिलता जुलता है। और इनके जो है अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इनकी आईज की बात करते हैं कंपाउंड आईज की, तो वो इनका सिफेलोपॉड से यानी मोलस्क से ये करेक्टर मिलता है। तो इनकी कुछ रिजेम्बलेंस जो है वो मोलस्क के साथ हैं, कुछ रिजेम्बलेंस आपको किन के साथ मिलेंगी, एनिलिड्स के साथ। तो इनका हीमोसील जो है वो फिल्ड विद ब्लड, और बहुत सारे में जो ब्लड है वो कलरलेस है। चंद एक ऐसे होंगे जिनमें ब्लू या हमें रेडिश कलर का ब्लड मिलेगा, अदरवाइज जितने भी मोस्टली आर्थ्रोपोड है तो उनका ब्लड क्या है, कलरलेस है, वाइट कलर का या कलरलेस। फिर जैसे मैंने बात की कि ये पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस रखते हैं, और इनके अपेंडेजेस सिर्फ ये नहीं है कि वो लेग्स हैं, वो जो अपेंडेजेस हैं वो डिफरेंट फॉर्म में हैं, बिकॉज ऑफन मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड है। और वो हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्रस्टेशियन हैं आर्थ्रोपोड उनकी कैसी हैं, या जो चिली सीरेट हैं उनकी कैसी हैं, या हेक्सापोडा यानी इंसेक्ट जो हैं वो कैसी रखते हैं। तो इनमें डिफरेंट अपेंडेजेस होंगे, वो अपेंडेजेस इनके माउथ पार्ट भी हैं, हो सकते हैं माउथ पार्ट में भी, यानी ये आगे जो इनकी सक्सेस का राज है उनमें माउथ पार्ट भी आते हैं। इनके हेड में बहुत सारे जो हैं काइटन के बने हुए ज्वाइंटेड जो है अपेंडेजेस हैं जो माउथ में हैं, इनके हेड वाले रीजन में हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, माउथ पार्ट्स कहते हैं। और उस माउथ पार्ट में आप देखेंगे मैंडिबल भी होंगे, मैगजीला भी होगा इसका, फिर उसके अलावा जो है इनकी कुछ लेबियम लेब्रिथम यानी कुछ इस तरह के भी जो है वो अपेंडेजेस मिलेंगे। और अगर बहुत वेल डिवेलप आपने माउथ पार्ट देखने हैं, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बहुत वेल डिवेलप माउथ पार्ट किसके हैं, तो जो क्रेफिश है तो उसमें काकरोच हो गया, इनमें ग्रॉस ओपर है, लेकिन क्रेफिश का कहा जाता है जब भी स्टडी किए जाते हैं या वो करवाए जाते हैं स्टडी, तो प्रेफर किया जाता है कि क्रेफिश को जो है उसके माउथ पार्ट के हवाले से बात की जाती है। तो वो उनके वेल डिवेलप्ड हैं।
इसके अलावा कुछ अपेंडेजेस हैं जैसे एंटीना है, तो इनके जो है फिलामेंट की तरह के जो है इनकी माउथ के पास जो है फिलामेंट टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर होंगे जॉइंटेड, जिनको हम एंटीना कहेंगे। उन पे सेंसरी जो है वो ऑर्गन लगे होंगे। अच्छा, वो एंटीना किसी में वन पेयर होगा, किसी में वो टू पेयर होगा, किसी में वो ब्रांच्ड होंगे। जैसे क्रस्टेशियन है तो उनमें हमें जो है वो ब्रांच्ड नजर आते हैं अपेंडेजेस। तो इनके डिफरेंट फंक्शन हैं, ये अपेंडेजेस जो हैं ये डिफरेंट फंक्शन रखेंगे। अगर वो लेग्स हैं तो उनका वो वॉकिंग के तौर पर, रनिंग के तौर पर होंगी। फिर इनके अपेंडेजेस में अगर हम जो है विंग्स की बात करते हैं तो ये फ्लाई करते हैं, पेडीपल्प हैं। इसके अलावा चिलिसरी हैं, तो ये यूज़ होते हैं फूड को गैदर करने के लिए, पकड़ने के लिए, प्रे को जो है कैप्चर करने के लिए। इसके अलावा जो है पेडीपल्प हम कह सकते हैं कि ये हमें उसमें मिलते हैं उसमें स्कॉर्पियन वगैरह में, अरेक्निडा में, तो वहाँ पर ये रिप्रोडक्शन के तौर पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड कॉन्टेन पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस दैट आर हाईली मॉडिफाइड एंड परफॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन सच एज रनिंग, वॉकिंग, लोकोमोशन, स्विमिंग हम एंड रिप्रोडक्शन, फूड गैदरिंग, फूड कैप्चरिंग। तो ये सारे जो काम है ये हमें अपेंडेजेस में नजर आएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे जो ये पहले भी बात कर दी कि सेगमेंटेशन है, लेकिन सेगमेंटेशन के साथ इनमें एक और प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं टैगमाटाइजेशन। सेगमेंटेशन और टैगमाटाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेगमेंटेशन क्या है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल सेगमेंट्स दैट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हर सेगमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा। उसमें जो ऑर्गन्स हैं वो हर सेगमेंट में होंगे। जैसे हमने एनिलिड्स में बात की थी कि हर सेगमेंट में वन पेयर या टू पेयर हमें जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के मिलेंगे, तो हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सेगमेंटेशन है। लेकिन अगर वो सेगमेंट मॉडिफाई हो जाए किसी फंक्शनल यूनिट में और वो साथ रहें, एक दूसरे पर डिपेंड करें, और उनकी यानी कि हर सेगमेंट एक फंक्शनल यूनिट बन गया है, तो उस यूनिट को हम टैगियोमेंट बोलेंगे। जैसे हेड है तो वो एक उसका एक फंक्शनल यूनिट है, उसमें हमें माउथ पार्ट नजर आएंगे, उसमें हमें एंटीना नजर आएंगे, वो अपना मखसूस काम करेगा। थॉरेक्स का रीजन जो है वो हेड के रीजन से जो है वो अपना अलहदा काम करेगा। उसमें हमें और तरह के अपेंडेजेस मिलेंगे, उसमें हमें लेग्स मिलेंगे, उसमें हमें विंग्स मिलेंगे। फिर उसके बाद एब्डोमेन है, वो और फंक्शनल यूनिट होगा। तो अगर हम कहते हैं कि एवरी सेगमेंट मॉडिफाइड इंटू फंक्शनल यूनिट, देन दीज आर कॉल्ड टैगमेंट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैगमाटाइजेशन। तो ये सेगमेंटेशन और टैगमाटाइजेशन ये आर्थ्रोपोड में है। अच्छा, और टैगमाटाइजेशन के लिहाज से हम कहते हैं कि थ्री जो है फंक्शनल यूनिट है, वन इज हेड, सेकेंड थोरेक्स एंड थर्ड एबडोमन। अगर तो ये सेपरेट है तो मोस्टली हमें इंसेक्ट में मिलेंगे ऐसे कि उनका हेड जो है वो फ्यूज्ड नहीं होगा थोरेक्स के साथ, हेड अलहदा से होगा, थोरेक्स अलहदा से, एब्डोमेन अलहदा से। तो ये साफ पता चल रहा होगा कि इनकी पार्टीशन नजर आ रही होगी कि हेड कहाँ पे है, थोरेक्स कहाँ पे, एब्डोमेन कहाँ है। थोरेक्स के फिर थ्री जो है सेगमेंट्स होंगे, एब्डोमेन के वेरिड जो है वो सेगमेंट्स होंगे, हेड का एक सेगमेंट होगा। तो ये चीजें तो हमें मिलेंगी इस तरह की। अगर थ्री टैगमेंट्स हैं तो वो हमें मिलेंगे इंसेक्ट में। लेकिन अगर वो टू में है, यानी सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, उसमें सिफेलोथोरेक्स का मतलब है कि हेड और जो थोरेक्स है वो फ्यूज्ड है, और उस लिहाज से टू टैगमेंट्स बन रहे हैं, एक सिफेलोथोरेक्स और एक एब्डोमेन। तो ये प्रोसेस हमें मिलेगा क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियन में आपको ये नहीं होगा कि थ्री जो है वो हेड थोरेक्स एब्डोमेन, हमें वो सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन मिलेंगे। तो इस तरह इनके लिहाज से भी क्लासिफिकेशन होगी। और फिर ये जो सेगमेंटेशन या टैगमेटाइजेशन है, इसकी जो आउटर कवरिंग है आगे हम देखते हैं, वो इनका एक्सोस्केलेटन होता है। और मजे की बात कि ये अपना एक्सोस्केलेटन जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है रिप्लेस कर देते हैं न्यू से, और इस प्रोसेस को हम एक्डाइसिस एंड और मोल्टिंग का कहते हैं। और ये चीज़ें जो हैं कॉमन हैं, लाइफ साइकिल के दौरान भी मिलती हैं, एडल्ट में भी मिलती हैं। लाइफ साइकिल में भी वो लार्वा से जब प्यूपा बनता है तो प्यूपा अपनी जो है वो एक्सटर्नल कवरिंग उतार देता है और नई कवरिंग चढ़ा लेता है। इसी तरह एडल्ट भी जो है अपनी पुरानी क्यूटिकल का जो एक्सोस्केलेटन है उसको रिमूव कर देंगे, नया चढ़ा लेंगे। तो ये प्रोसेस इनमें बहुत कॉमन है
और ये भी एक रीजन है इनकी सक्सेस का और इनकी डाइवर्सिटी का. सो ये सारे यूनिक करेक्टरिस्टिक बड़े मजे मजे के, एक दूसरे से डिफरेंट. कोई आपको इसमें बोरिंग बात नहीं नजर आएगी, बल्कि हमें मोस्टली तो आर्थ्रोपोड का ऑलरेडी जो है इतना आइडिया है कि ये आर्थ्रोपोड जो है बाकियों से किस लिहाज से सक्सेसफुल है या डिफरेंट है, इनके यूनिक करेक्टरिस्टिक कौन से हैं. जैसे मैंने बात की थी कि आर्थ्रोपोड में हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, तो वो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसको वन बाय वन हम देखते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लेक्स. सर अदनान के लेक्चर में भी न्यूट्रिशन में जब बात की थी, काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल से पढ़ाया था, तो उनमें भी उन्होंने वो सारी जो है डायग्रामेटिकली जो है वो सारा जो है वो आपसे शेयर किया. तो ये अगर हम बात करें तो वो उसको मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. तो स्टार्ट होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ पार्ट से, हेड से स्लाइवरी ग्लैंड हो जाते हैं. माउथ पार्ट जो है उसमें मैगजीला है, मैंडिबल्स हैं, इसके अलावा छोटी छोटी क्यूटिकल की प्लेट्स हैं, और ये मैकेनिकली डाइजेस्ट करती हैं, ये टीथ की तरह का काम करती हैं. काकरोच अमूमन जो है वो उसमें किचन में हो तो अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, वो इवन हार्ड से हार्ड चीज़ भी बड़े आराम से खा लेता है. उसके ये माउथ पार्ट जो है वो मैकेनिकली डाइजेशन कर रहे होते हैं और ख़ुराक को मुख्तलिफ पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में जो है यानी तोड़ देते हैं. तो यहाँ पर ये जो टीथ का काम जो है वो कौन करेंगे? माउथ पार्ट. उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा खारिज करेंगे, केमिकल डाइजेशन होगी, खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट ये बनाएंगे, और उसके बाद जो है क्रॉप में चली जाएगी और वहाँ ये स्टोर कर लेंगे. तो ये स्टोरिंग जो है इनका, क्रॉप इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसोफेगस. एसोफेगस को जो है डायलेटेड पोर्शन है और वहाँ पर जो है खुराक क्या होती है, स्टोर होती है जस्ट. उसके अलावा फिर से मैकेनिकल डाइजेशन होती है, फिजिकल डाइजेशन होती है, और उसमें फर्दर जो है छोटे छोटे पीसीज में जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रही होती है, और वो किस में? गिजर्ड में होगी. उसके बाद वो स्टमक में आ जाएगी जिसमें हेपेटिक सीकम लगे हुए होंगे, वहाँ से जो है वो बहुत सारे इंजाइम जो है केमिकल डाइजेशन करेंगे, और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में आ जाएगी, और इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से एनस, बॉडी से बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड है. तो हाईली कॉम्प्लेक्स जो है वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है. इंसेक्ट में डायग्रामेटिकली हम जो है वो स्टडी कर भी लेंगे एक दफ़ा फिर से. और जैसे सर्कुलेशन की मैंने पहले भी बात की थी कि सर्कुलेशन इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. इनमें जो ब्लड है वो हीमोसील में जो है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है. तो ये एक इनका जो है वो क्लोज नहीं है बल्कि ओपन है. और रेस्पिरेशन में डिफरेंट वैरायटी है. कुछ जो है ऑर्गेनिज्म अपनी जो बॉडी लेयर है उससे ही रेस्पिरेशन करते हैं, अदरवाइज जो है ये अपना गिल्स है, लंग्स हैं, बुक लंग्स हैं, और ट्रेकियल सिस्टम है. इसके अलावा भी इंसेक्ट में हमें ट्रेकियल सिस्टम नज़र आएगा, तो अपने ट्रेकिया के थ्रू, और ट्रेकिया जो इनका एयर पाइप है वो किससे बना हुआ है? वो जो है क्यूटिकल से बना हुआ है. सो वेल डिवेलप रेस्पिरेशन सीन, सम विद गिल्स, सम विद बुक लंग्स, सम विद सिंपल लंग्स, एंड सम लाइक इंसेक्ट थ्रू ट्रेकियल सिस्टम. तो वो रेस्पिरेशन जो है वो, ये भी हम जब इंसेक्ट की तरफ आएंगे तो वहां से डिटेल से पढ़ेंगे. ये जैसे मैंने आपसे सेगमेंटेशन और टैगमाटाइजेशन की बात की थी, तो ये सिंपली इंसेक्ट का आप देख सकते हो कि हेड जो है वो टोटली सेपरेट पोर्शन है, उसके बाद थॉरेक्स है, फिर ये एब्डोमेन है. थॉरेक्स में अमूमन 3 सेगमेंट्स हैं और एब्डोमेन में वेरी करते हैं 7 to 10 हैं. तो मुख्तलिफ जो है उसमें वो वेरी कर रहे हैं. और मोस्टली ये जो है रखिएगा जहन में कि जो जैसे इंसेक्ट हैं तो उनमें अपेंडेजेस थॉरेक्स रीजन से निकलेंगे, एब्डोमेन से नहीं निकलेंगे. उनका एब्डोमेन रीजन विदाउट अपेंडेजेस होगा. अगर हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे जी उनके 2 pair of wings हैं, 3 pair of legs हैं, तो वो सारी कहाँ से निकल रही हैं? वो थॉरेक्स से निकल रही हैं. तो उनका जो एब्डोमेन है वो विदाउट एनी अपेंडेजेस है. ये मैं इंसेक्ट की बात कर रही हूँ, तो बाकियों में ऐसे नहीं है. तो ये जो है यहाँ पर 3 segments हमें किस में नज़र आ रहे हैं? ये इंसेक्ट में नज़र आ रहे हैं. 2 segments जो है ये हमें क्रस्टेशियन में. तो यहाँ पे इनका हेड एंड थॉरेक्स आर फ्यूज्ड, और उसको हम क्या कहेंगे? सिफेलोथॉरेक्स या प्रोजोमा, या हम उसे क्या कहेंगे? प्रोजोमा कहेंगे.
और एब्डोमेन उसका अलहदा होगा इसके, और उसका जो सिफेलोथोरेक्स है उसके अपेंडेजेस भी डिफरेंट होंगे इंसेक्ट से। वो हम जब इसका क्रस्टेशिया का पढ़ेंगे तो आप उसमें, या चिली सिरेटा का पढ़ेंगे तो हमें उसमें चेलिसरी भी नजर आएंगी, पेडीपेल्प भी नजर आएंगे, एंटीना भी नजर आएंगे, कुछ में तो ब्रांच्ड एंटीना होंगे। तो ये इन चीज़ों के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन करवाएंगे, इनके माउथ पार्ट के लिहाज से, इनके सेगमेंट्स के लिहाज से, इनके टैगमाटाइजेशन के लिहाज से, इनके अपेंडेजेस के लिहाज से, और यानी कि ये बाकी इनके लाइफ साइकिल के लिहाज से भी हम बात करेंगे। तो तब हम जो है इनको डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट जो है सब फाइला में और क्लासेस में और ऑर्डर में इनको जो है ये वो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि किस तरह ये एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक की और मजीद करैक्टरिस्टिक की बात करें तो एक्सक्रीशन जो है, आर्थ्रोपोड अगर बहुत डाइवर्सिटी रखते हैं तो इनके जो डिफरेंट सिस्टम है उनमें भी हमें डाइवर्सिटी मिलती है। इनके पेयर ग्लैंड्स होते हैं, किसी में कॉक्सल ग्लैंड किसी में एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड है। तो ये हमें एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड जो है ये ज्यादातर हमें क्रस्टेशियन में मिलेंगे, जैसे क्रेफिश है। किसी में मैक्सिलरी ग्लैंड है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स यूजुअली इंसेक्ट में होती है, सिर्फ हम कहते हैं कि स्पाइडर ऐसे हैं जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स रखते हैं और वो इंसेक्ट नहीं है। तो बाकी जो है जितने भी इंसेक्ट हैं तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल से जो है वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ये सारा अपना किससे करेंगे, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल से। तो वो हम साथ साथ देख लेंगे कि कॉक्सल ग्लैंड, क्योंकि मैंने अभी बता दिया है कि ये कॉक्सल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ये आपको जो है ये चीज़ें नजर आएंगी क्रस्टेशिया में और चिली सिरेटा में, इनमें जैसे एरेक्निडा है उनमें ये चीज़ नजर आएंगे, ये जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी। लेकिन जो इंसेक्ट है उनमें क्या है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स है। नर्वस सिस्टम इनका वेंट्रल नर्वस सिस्टम है डॉर्सल ब्रेन के साथ। इनका नर्वस सिस्टम जो है बहुत हद तक जो है मोलस्क के साथ, एनिलिड के साथ मैच करता है। लेकिन इनके जो सेंसरी जो इनके सिस्टम है या उनके ऑर्गन हैं वो उन दोनों से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। सिफेलोपोड की तरह है लेकिन बाद में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिफेलोपोड में हेयरिंग का प्रोसेस बहुत पुअर है, इनमें हेयरिंग भी बहुत टॉप की है। तो इनमें जो टच के हैं या स्मेल, टेस्ट, इक्विलिब्रियम, ये सारे जो सेंसरी ऑर्गन है हाईली डेवलप्ड हैं, और उनमें से जो टॉप ऑफ लिस्ट है वो विजन है। विजन में हम आईज देखेंगे, बहुत चंद आर्थ्रोपोड ऐसे मिलेंगे जिसमें सिंपल आईज हैं, अदरवाइज सिफेलोपोड की तरह इनकी कंपाउंड आईज हैं। सिंपल आईज में जो है हम कहते हैं कि वन सिंपल आई कॉन्टेन वन फोटो रिसेप्टर, लेकिन जो कंपाउंड आईज है उसमें एक फोटो रिसेप्टर नहीं है बल्कि थाउजेंड मिलियन जो है वो फोटो रिसेप्टर है, और हर फोटो रिसेप्टर यहाँ आर्थ्रोपेड पोड के केस में ओमाटीडियम कहलाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमाटीडियम आपसे कोई पूछ ले तो ओमाटीडियम इज अ फोटो रिसेप्टर, वन फोटो रिसेप्टर, और वो ओमाटीडियम जो है वो हम फोटो रिसेप्टर बात करते हैं तो वो बहुत सारे ओमाटीडियम, कुछ थाउजेंड मिलियंस के करीब जो वो ओमाटीडिया जो हैं वो अगर कंबाइन कर जाएं तो उससे कंपाउंड आई बनती है, और हर ओमाटीडियम का अपना लेंस होगा, अपनी कॉर्निया होगी, यानी वो एक ओमाटीडियम जो है ये ह्यूमन आईज की तरह है, बहुत छोटा ये, लेकिन उसका फंक्शन सारा वन आई के बराबर है। तो अगर इस तरह की बहुत सारी आईज को, बहुत सारे ओमाटीडिया को हम कंबाइन कर दें तो एक कंपाउंड आई बनती है। तो इससे इसकी जो हमें बेस्ट जो है विजन नजर आती है वो एक आर्थ्रोपोड है मैंटिड। तो मैंटिड की इतनी विजन है कि वो बैक से भी देख सकता है, फ्रंट से भी देख सकता है, साइड से भी देख सकता है, क्योंकि उसके जो ओमाटीडिया है वो एक तो थाउजेंड्स के करीब है, दूसरा हर ओमाटीडिया जो है वो मूव कर रहा है, और मूव करते हुए वो डिफरेंट लोकेशन की तरफ जो है वो आराम से जो है वो देख सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म। सो कंपाउंड आईज कॉन्टेन ओमाटीडिया, एंड एवरी ओमाटीडिया इज अ फोटो रिसेप्टर एंड कॉन्टेन इट्स ऑन लेंस, इट्स ऑन रेटिना, कॉर्निया, ये चीजें हर ओमाटीडिया की जो है, ओमाटीडियम की दूसरे से जो है वो अपनी अपनी है।
तो ये कंपाउंड आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंपल आईज चंद हमें जो है आर्थ्रोपोडा उनमें मिलेंगी, अदरवाइज उनकी आईज क्या है, कंपाउंड आईज है। इसके अलावा और भी हैं इनका, यानी कि कीमो रिसेप्टर्स हैं इनमें, और उसमें ये फिरामोन्स हैं, ये डिफरेंट फिरामोन्स जो हैं ये खारिज करते हैं। कुछ फिरामोन्स जो होते हैं वो अलर्ट करने के लिए अपने पार्टनर को, जो जब उन्हें कोई ख़तरा होता है तो डेंजर फील कर रहे होते हैं तो फौरन ये अपने फिरामोन्स जो है वो कर रहे होते हैं, रिलीज़ करते हैं। कुछ होते हैं जब ये फूड देखते हैं तो उस टाइम भी अपने फिरामोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं उनका, और जो है वो फिरामोन और टाइप होगी। और कुछ जो है वो मेल जो है ड्यूरिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो फिरामोन जो है वो सेक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव फिरामोन होते हैं। तो फिरामोन्स जो हैं वो कीमो रिसेप्टर के तौर पर हैं, इनके केमिकल्स हैं जो इनके ये हम हार्मोन्स की तरह कह सकते हैं, लेकिन ये बॉडी से बाहर जो है वो सेक्रीट किए जाते हैं, ना कि बॉडी के अंदर। इसके अलावा इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका यूनिक करेक्टरिस्टिक है वो है क्यूटिकल की एक्सोस्केलेटन, और वो एक्सोस्केलेटन जो है जैसे मैंने पहले बताया कि वो रिमूव भी होती है न्यू के साथ, यानी एक्डाइसिस भी, और वो एक्सोस्केलेटन में मेनली तो 90% तो क्यूटिकल है। इसके अलावा प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी हैं, और प्रोटीन जो है वो सेक्लेरिटाइजेशन का प्रोसेस करवाएगी, मैं आगे डिटेल से बताऊंगी टैनिंग का प्रोसेस सेक्लेरिटाइजेशन का। और ये जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो मुख्तलिफ काम करेगा, वो इनकी बॉडी की शेप भी देगा, उसको सपोर्ट भी करेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा, वाटर लॉस कम से कम करवाएगा, और मैक्सिमम साइट प्रोवाइड करेगा फॉर मसल अटैचमेंट। तो ये देख लें कि इसका एक्सोस्केलेटन का, और ये लाइट वेट होगा, और लाइट वेट होने की वजह से बॉडी बड़े आराम से जो है वो मूव भी कर लेगी। और उसके अलावा इसके एक्सोस्केलेटन जो है कहीं कहीं पे बहुत थिन हो जाएगा, उस जगह पे जॉइंट्स बनेंगे, और उन जॉइंट्स बनने की वजह से बॉडी आराम से बेंट करेगी, फ्लाई करेगी, स्विमिंग करेगी, मूव करेगी, रनिंग जंपिंग जो है वो आराम से। तो ये इतने ज़्यादा जॉइंट होने की वजह से भी ये अपने आराम से जो है ये सक्सेसफुली अपने जो है इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो इनका एक्सोस्केलेटन जो है मुख्तलिफ फंक्शन कर रहा है, जैसे इनको बॉडी का वेट लाइट रख रहा है, ज़्यादा वो हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, बॉडी की शेप बरकरार रखता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, वाटर लॉस कम से कम करवाता है, और मैक्सिमम जो है मसल अटैचमेंट करवाता है। तो ये इनके सारे जो है यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं। और आगे जब हम देखेंगे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के हमें 4 सब फाइला जो है वो मिलेंगे। ट्राइलोबिटोमॉर्फा एक इसका सब फाइला है, फाइलम है, और इसके मेंबर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये एक्सटिंक्ट में आएगा ट्राइलोबिटोमॉर्फा। उसके सेकंड जो सब फाइलम है वो चिली सिरेटा है। चिली सिरेटा मोस्ट एंशियंट जो है वो आर्थ्रोपोड हैं, और ये बहुत यूनिक हैं। हर एक का सब फाइला का जो है कंपैरिजन मैं साथ साथ करवाऊंगी। तो वैसे तो 4 हैं लेकिन हमने 3 पढ़ने हैं, एक चिली सिरेटा, सेकेंड जो है क्रस्टेशिया, और थर्ड है हेक्सोपोडा जिसे हम यूनिरेमिया भी बोलते हैं। तो चिली सिरेटा, क्रस्टेशिया, हेक्सोपोडा। हेक्सोपोडा में हमारे इंसेक्ट होंगे, ये हमारा टॉपिक जो है वो ये हमारा एक अलहदा से लेक्चर बन जाएगा। हेक्सोपोड में जैसे यानी कि हेक्सो का मतलब ही है कि 6, तो चूंकि हम बात करते हैं कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, तो वो पेयर अगर वैसे बात करें तो 6 लेग्स रखने वाले, तो हेक्सोपोडा हमारे इंसेक्ट हो गए। क्रस्टेशिया जो है 95% जो है ये एक्वाटिक हैं। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो कौन से हैं, तो वो हम ये तो नहीं कहेंगे, एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन डोमिनेंट जो हैं जो वाटर में हैं तो वो क्रस्टेशियंस हैं। और क्रस्टेशियन बहुत डिफरेंट होंगे, इनके अलहदा से यूनिक करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इनकी अलहदा से क्लासिफिकेशन देखनी है। चिली सिरेटा की भी हम यूनिक करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और इसको जो है इसकी क्लासिफिकेशन अलहदा देखेंगे। उसके बाद ये अगर हम सब फाइला के बाद, हाँ कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, जैसे इनका लाइफ साइकिल है, इनके सेक्सेस हैं तो सेपरेट हैं, इसमें मोनेशियस वाला कोई भी चक्कर नहीं है। ये मैंने पहले बताया था कि आर्थ्रोपोड बाकी प्रोटोस्टोम से एडवांस्ड हैं, तो कोई मोनेशियस नहीं है, डायशियस हैं, सेपरेट हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इनमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है।
और उसके अलावा स्पाइरल क्लीवेज है, और कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, और बहुत सारे हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी रखते हैं, यानी लार्वल स्टेजेस भी बनेंगी, और लार्वल स्टेजेस के बाद जो है उसके बाद जो है वो अपने एडल्ट से रिजेम्बल नहीं कर रहे होंगे, तो उसमें एक और प्रोसेस होगा और वो जो है क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फोसिस। और वो मेटामॉर्फोसिस भी हम डिफरेंट टाइप का पढ़ने वाले हैं कि जो इनकम्प्लीट किसमें है, कंप्लीट किसमें है, ये और सारी चीजें हमने देखनी है, कौन से हैं जो लार्वा जिनमें नहीं बनता, कौन से आर्थ्रोपोड हैं जिनमें लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, तो ये सारे जो है हम नेक्स्ट हम जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज देख सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यूज जो है इसमें से जो मैंने अभी डिस्कस किया है, बेशुमार एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन कुछ जो इसमें से जो कॉमन है वो मैंने कोड किए हैं। क्वेश्चन नंबर वन, मैकेनिकल डाइजेशन इन आर्थ्रोपोड टेक प्लेस इन, तो मैकेनिकल डाइजेशन किसमें होती है? ए में है गीजर्ड, बी में है स्टमक, सी है हेपेटिक सीकम, डी है क्रॉप। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है जो राइट है वो गीजर्ड है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में माउथ पार्ट भी अगर आ जाए तो फिर हम दोनों को लगाएंगे, फिर हम गिजर्ड को भी लगाएंगे, हम माउथ पार्ट को भी लगाएंगे, क्योंकि गिजर्ड भी मैकेनिकल डाइजेशन करता है, माउथ पार्ट भी करता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना, फिर हम दोनों करेंगे। सेकेंड जो है, कंपाउंड आइज इन आर्थ्रोपोड कॉन्टेन फोटो रिसेप्टर्स, ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 100s, डी 1000s। तो थाउजेंड्स के करीब जो है इनमें जो है फोटो रिसेप्टर हैं, जिनको हम, ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, या ओमाटीडिया पूछ सकते हैं कि कंपाउंड आइज के जो है वो ओमाटीडिया कितने हैं, या ये पूछ सकते हैं कि ओमाटीडिया है क्या, तो वो नीचे फोटो रिसेप्टर पे तब हम टिक मार करेंगे, तो मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये पूछ सकते हैं कि सिंपल आइज किन में है और कंपाउंड आइज किन में है। अब वो ऑप्शन में वो सिफेलोपोड भी हो सकता है, आर्थ्रोपोड भी हो सकता है, तो वो हम एक पे नहीं लगाएंगे, सिफेलोपोड भी कंपाउंड आइज रखता है, आर्थ्रोपोड भी कंपाउंड आइज रखता है, तो वो इस तरीके से भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के तौर पर भी ये आ सकता है। तो मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं जिसके बहुत सारे जो है मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये नहीं है कि ये इसी तरह का क्वेश्चन होगा, कंपाउंड आइज के हवाले से कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंपल आइज किन में है, कंपाउंड आइज किन में है, कौन कौन से फाइला में है, कौन से मेंबर में है, मेंबर भी यहाँ पे लिखे आ सकते हैं, तो वो ये इस हिसाब से ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन ऑफ मैल्वेजियन ट्यूब्यूल इज, ये बहुत दफा आया भी हुआ है ये क्वेश्चन ना, या ये पूछ सकते हैं कि मैल्वेजियन ट्यूब्यूल्स की लोकेशन कहाँ पे है, तो मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स अमूमन किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, तो हम कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद ये डाइजेशन करवा रही हैं, लेकिन ये कनेक्शन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है, उसका रीजन मैं अभी बताती हूँ, पहले हम इसके ऑप्शन देख लें। द फंक्शन ऑफ मैल्फीजियन ट्यूब्यूल इज, ए पे है एक्सक्रीशन, बी पे है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, सी पे है डाइजेशन, और डी पे है बोथ ए एंड बी। तो ये एक्सक्रीशन भी करवाती है और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करवाती है, तो बोथ ए एंड बी इसका जो है ऑप्शन है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो ये पूछ सकते हैं कि इनकी लोकेशन किसके साथ है, ये किसके साथ अटैच है, नीचे डिफरेंट सिस्टम दिए होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या सेपरेट, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अब है क्यों, उसके साथ कनेक्टेड क्यों है, सरदान ने भी आपके साथ ये डिस्कस किया होगा कि अगर ये सेपरेट होती तो एक्सक्रीशन के दौरान वाटर लॉस सेपरेट होता, डाइजेस्टिव सिस्टम के फीसिस में भी पानी अलहदा से लॉस हो रहा होता, और इसमें यूरिनरी सिस्टम में भी पानी अलहदा से हो रहा होता, और इंसेक्ट जो है ये पानी बहुत कम लेते हैं, और इन्होंने बहुत सारे ने फ्लाई करना होता है, अपनी बॉडी को लाइट रखना होता है, तो इनकी ये कोशिश होती है कि सेविंग ऑफ वाटर, पहले ही बहुत कम इन्होंने पिया होता है, तो वो उसको बॉडी के अंदर सेव कर सके, उसे लॉस ना करें, तो इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती है कि यूरिनरी वेस्ट भी और डाइजेस्टिव वेस्ट भी इकट्ठा ही जो है एनस से बाहर चला जाए, और कम से कम जो है वो पानी जो है वो लॉस हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या हो सके, रीअब्सॉर्प्शन हो सके, तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस।
इसका ऑप्शन क्या है? ठीक, एक्सक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी बोथ ए एंड बी। तो ये भी मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है, या मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स किस तरह की हैं, ये इस तरीके से आ जाता है, या अमूमन ये मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कौन सा प्रोडक्ट खारिज कर रही होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें आपने फॉरन कहना यूरिक एसिड, कि मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यहाँ से निकलता है, वो यूरिक एसिड है, क्योंकि यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए ना होने के बराबर पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये रीजन भी है इनकी सक्सेस का, कि ये यूरिक एसिड बॉडी से खारिज करते हैं, ना अमोनिया और ना ही यूरिया। तो ये इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके लोकेशन के हवाले से आ सकता है, इसके प्रोडक्ट के हवाले से आ सकता है, इसके फंक्शन के हवाले से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रेफिश। तो मैंने यहाँ पे क्रे फिश का एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिया है। क्रे फिश का के हवाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, माउथ पार्ट कैसा है क्रे फिश का, क्रे फिश का जो है ये पूछ सकते हैं कि क्रे फिश जो है उसकी कौन से उसमें है आर्थ्रोपोड, ये कौन से वाला आर्थ्रोपोड है, क्या ये क्रस्टेशियन में आता है, क्या ये उसमें आता है चिली सरेटा में आता है, क्रस्टेशियन के अंदर ये अरेक्निडा में आता है, ये कहाँ आता है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, इसके माउथ पार्ट के हवाले से, या इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हवाले से, पहली बात तो ये इंसेक्ट नहीं है। और यहाँ पर इनके जो है ये है क्या, अभी आपने खुद देखना है, खुद इसको स्टडी करना है। क्रस्टेशिया का है ये मेंबर, या आगे शायद मैं बोल भी दूँ तो ये, या ये उसका है क्या नाम है, चेलिस्रोटा का है, तो कौन सा आर्थ्रोपोड है। तो इसके ऑप्शन में कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉक्सल ग्लैंड है, एंटीनल ग्लैंड है, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है, बोथ बी एंड सी। तो इसमें इसका एंटीनल ग्लैंड आएगा, इसको यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, इसके में ब्लेडर भी होता है, और उसमें इन्होंने अपना वेस्ट प्रोडक्ट, ग्रीनिश है इनका, इसका पूरा ग्लैंड ही ग्रीन कलर का है, क्योंकि उसमें ये थोड़ा सा पॉइजन होता है और ग्रीनिश कलर का। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एंटीनल ग्लैंड है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि क्रेफिश हो, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि काकरोच का जो है एक्सक्रीशन कैसी है, जरूरी नहीं है वो एक्सक्रीशन पूछें, ये भी कह सकते हैं कि ये जो है रेस्पायरेशन किससे कर रहे हैं। यहाँ पे इंसेक्ट आ जाए, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में आ जाए, इसमें क्वेश्चन में आ जाए कि इंसेक्ट में आपको किस तरह की रेस्पायरेशन नजर आती है टेरिस्ट्रियल में, तो टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट में कैसी रेस्पायरेशन है, नीचे गिल्स लिखे हुए हो, आप टेरिस्ट्रियल में तो गिल्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, या बुक लंग्स है, लंग्स है, ट्रेकियल है, तो वो उसमें हम ट्रेकियल सिस्टम कहेंगे। और मोस्टली जो क्रस्टेशियन है वो रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, तो उनके फिर ऑप्शन में हम गिल्स कहेंगे। तो ये चीजें इस तरह के क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, और उसको हमने मुख्तलिफ तरीके से करना होता है। तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई आर्थ्रोपोड अचीव्ड ग्रेट डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस, कि ये क्यों इतने सक्सेसफुल हैं। अब उसमें बहुत सारे रीजन है, हम बहुत सारे तरीके से हम बता सकते हैं कि ये इतने जो है इनकी डाइवर्सिटी है और ये सक्सेसफुल हैं। उसमें से एक तो मैंने यहाँ पर नहीं किया, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, एवरी इन्वायरमेंट जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है वहाँ पर ये होंगे, चाहे वो हमें अंडरग्राउंड है, चाहे वो हमें ग्राउंड के ऊपर है टेरिस्ट्रियल फॉर्म में है, या हमें एयर पे, या हमें जो है ट्रीज पे, प्लांट्स पे, प्लांट के नीचे, या उसमें वाटर में, सी में, तो हर जगह ये पाए जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिए हैं इनके रीजन, वर्सटाइल एक्सोस्केल्टन है इनका, इनका एक्सोस्केल्टन बहुत वर्सटाइल है, यूनिक है, और साथ इनकी एक डाइसिस भी होती है। थोड़ा सा इनका एक्सोस्केलेटन के हवाले से पहले मैंने बातें की हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं जो हमने मिस की हैं। क्यूटिक्यूलर विद टू लेयर, दो लेयर होती हैं इनके एक्सोस्केलेटन की, क्यूटिक्यूलर है अमूमन, और टू लेयर है। इन लेयर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आउटर लेयर है वो थिन है और उसे हम एपी क्यूटिकल कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम एपी क्यूटिकल बोलेंगे, और ये प्रोटीन की बनी हुई है एंड लिपिड, इसमें काइटन नहीं है, और प्रोटीन सेक्लेरोटाइजेशन करती है, टैनिंग का प्रोसेस, यानी अगर प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्रिस क्रॉस शक्ल में हो, जैसे नेट होती है, यानी उस शक्ल में हो और ज्यादा जो है मजबूती दे रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेक्लेरोटाइजेशन या टैनिंग का प्रोसेस। यानी प्रोटीन ने किस तरह अपने आप को अरेंज किया हुआ है क्रिस क्रॉस की शक्ल में, नेट लाइक स्ट्रक्चर में,
और ज्यादा यानी कि क्या करने के लिए, ज्यादा जो है रेजिस्टेंट बनाने के लिए और ज्यादा मजबूती देने के लिए। यानी कंपोजिशन एपिक्यूटिकल की क्या है, एक तो ये आउटर है, थिन है, और इसकी ये है कि काइटन की नहीं बनी हुई है बल्कि किसकी बनी हुई है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की। और प्रोटीन भी खास अमल से जो है वो अपने आप को वहां पे अरेंज करवाती है, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्क्लेरोटाइजेशन। इनर इनकी थिक है, जो इनर लेयर है वो थिक लेयर है और उसको हम प्रोक्यूटिकल कहेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं, आउटर कौन सी है, इनर कौन सी है, थिक कौन सी है, थिन कौन सी है, और किसकी डिवीजन है किसकी नहीं है। एपिक्यूटिकल को फर्दर डिवाइड नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही थिन लेयर है। प्रोक्यूटिकल जो है उसको हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं टू लेयर में, एग्जोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। और ये दोनों ही काइटन की बनी हुई है, इनकी मोटाई में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक्सो एंड एंडो बोथ आर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल। और काइटन के बारे में पूछ सकते हैं कि काइटन क्या है, काइटन नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं कि ये कौन सा सेकेराइड है, इसकी केमिकल नेचर पूछ लेते हैं। तो ये नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है, इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कलीज एंड वीक एसिड, उसमें ये इनसॉल्युबल है, इम्परमीएबल है, और यही वजह है कि वाटर लॉस नहीं करवाता, ये जहां पर होगा वाटर जो है बॉडी के अंदर सेव रहेगा। प्रोक्यूटिकल लाइट वेट भी है, फ्लेक्सिबल भी है, प्रोटेक्शन देती है और डिहाइड्रेशन नहीं करवाती, वाटर सेव करवाती है, ये सारे प्रोक्यूटिकल के काम हैं। और साथ 60-80% काइटनस प्रोक्यूटिकल इन क्रस्टेशिया। यहाँ पर भी क्वेश्चन निकल सकता है कि क्रस्टेशिया की प्रोक्यूटिकल कितनी काइटन से बनी हुई है, 60-80%, जबकि इंसेक्ट में ये कितनी है, 50% है। और प्रोक्यूटिकल आल्सो विद कैल्शियम साल्ट इन क्रस्टेशियन, बास का जो प्रोक्यूटिकल है वो हार्ड होके शेल बना दिया है, कैरापेज बना दिया है, और उस कैरापेज में काइटन के साथ क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम साल्ट मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह भी निकल सकता है। इसके अलावा इनकी प्रोक्यूटिकल में, इनके क्यूटिकल में छोटे छोटे उभार होते हैं अंदर की तरफ, इन ग्रोथ्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको एपोडेम्स कहते हैं, और उसके ऊपर जो है मसल्स अटैच कर रहे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। तो ये सारा इनका जो है एक्सोस्केलेटन के हवाले से था, एक्सोस्केलेटन के डिफरेंट फंक्शन के हवाले से था। और फिर जैसे मैंने इनका रीजन आपसे शेयर किया कि इनकी एक डाइसिस करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, अपनी पुरानी जो है वो क्यूटिकल को उतार देते हैं, नई चढ़ा लेते हैं, हार्मोनल ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, और हार्मोनल कंट्रोल में भी जो है जो सिग्नल आएंगे सबसे पहले वो हार्मोनल नहीं, वो नर्वस सिस्टम से वो सिग्नल आएंगे, और उससे सबसे पहले एक हार्मोन जो है उसकी सेक्रीशन बंद होगी, और उस हार्मोन को क्या कहेंगे, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। इसकी सेक्रीशन जो है नर्वस सिग्नल जो है वो बंद करवाएंगे, और ये एक्स ऑर्गन, ये खास किस्म का ऑर्गन होता है, इनके हेड के रीजन के पास होता है, उस ऑर्गन से ये हार्मोन निकल रहा होता है, इसकी सेक्रीशन सबसे पहले डिक्रीज होगी। जो ही ये डिक्रीज होगी तो इनके वाई ऑर्गन से, वो भी हेड के पास है, वहां से एक और हार्मोन निकलेगा जिसे मोल्टिंग हार्मोन या एक्डायोसोन कहेंगे। तो मोल्टिंग हार्मोन और एक्डायोसोन जो है वो सेम हार्मोन है, लेकिन उनका जो है वो जहां से रिलीज हो रहे हैं वो फर्क है। मोल्टिंग हार्मोन है डायोसोनी, लेकिन ये कुछ आर्थ्रोपोड में ये जो मोल्टिंग हार्मोन है ये वाई ऑर्गन से जो है रिलीज होता है, ये ऑर्गन हेड के पास है, और कुछ में मोल्टिंग हार्मोन प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है। जिसमें प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है उसको हम एक्डायोसोन का नाम देते हैं, जिसमें वाई ऑर्गन से रिलीज हो रहा होता है उसे मोल्टिंग हार्मोन का नाम देते हैं। लेकिन फंक्शन के एतबार से, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेम ही है, मोल्टिंग हार्मोन इज अ एक्डायोसोन, और एक्डायोसोन इज द मेन हार्मोन फॉर एक्डाइसिस। तो आपसे कोई पूछे कि एक्डाइसिस के लिए कौन सा हार्मोन है, तो आपने क्या बताना है, एक्डायोसोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोल्टिंग हो रही है, इंसेक्ट अपना पुराना जो है वो खोल उतार दिया और नया चढ़ा लिया है। फोर स्टेप में ये मोल्टिंग का प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में क्या होगी, सेपरेशन ऑफ ओल्ड प्रोक्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मस। प्रोक्यूटिकल जो है जो पुरानी है वो एपिडर्मस से सेपरेट हो जाएगी, ताकि ये सेपरेट हो और नई बन सके, नई वहां पे जगह ले सके। तो सेपरेशन ऑफ ओल्ड प्रोक्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मस, ये पहला स्टेप। फिर उसके बाद सेक्रेशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल, यानी कि ओल्ड का सेपरेट होना और नई प्रोक्यूटिकल का जो है एंड एपिक्यूटिकल का, इसका जो है एपिडर्मस के ऊपर बन जाना, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा क्या है, स्प्लिटिंग एंड डिस्कार्डिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन। अभी वो पहले वाले स्टेप में वो सेपरेट हुए थे, लेकिन यहाँ पे उसको स्प्लिट किया जाएगा, जो उसकी काम की चीजें होंगी
वो दोबारा जो है नए एक्सोस्केलेटन में यूज हो जाएंगी, जो नहीं होंगी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये थर्ड प्रोसेस है। और जब सारी लेयर बन जाएंगी, जब एपिक्यूटिकल भी बन जाएगी, प्रो की एक्सो भी बन जाएगी, एंडो भी बन जाएगी, तो उसके बाद उसकी होगी यानी कि उसका हार्डनेस होगी, उसको हार्ड किया जाएगा। और उस हार्ड के दौरान क्या डेपोजिशन किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट वो नहीं बना रहे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा काइटन वहाँ पे डेपोजिट होगी, और इस तरह यानी हार्डनिंग होगी, हार्ड होगा फिर जो है उसमें यानी कि डेपोजिशन आएगी। तो ये जो है वो चौथा प्रोसेस होगा, फोर्थ स्टेप होगा, और इस तरह मोल्टिंग और एग्डाइसिस होगी। तो ये एक और रीज़न है इनका। और इस दौरान ये अपना यानी पुराना उतार दिया, नया चढ़ा लिया, नए जो है जॉइंट्स, नए क्यूटिकल, और फिर दोबारा से जो है वो फ्रेश बन के ये ऑर्गेनिज्म निकलेंगे बाहर। तो एक तो ये और भी रीज़न है इनका। ये डायग्रामेटिकली भी आप लोग मुख्तलिफ बुक से भी देख लीजिएगा, नीचे सबसे इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसकी एपिडर्मस है, जो एपिडर्मस जो है वो लेयर है जो इनका एक्सोस्केलेटन बना रही है। और एक्सोस्केलेटन में आप देख सकते हो कि प्रोक्यूटिकल की ये एंडोक्यूटिकल है, और ये उसके ऊपर क्या है एक्सोक्यूटिकल, और उसके ऊपर भी जो है वो क्या है एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल इज द अपर लेयर एंड प्रोक्यूटिकल इज द इनर, फर्दर डिवाइड एंडो एंड एक्सो। उसके अलावा भी इनके जो है रीजंस हैं, जैसे सेगमेंटेशन और जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इनमें इतने ज़्यादा यानी टैग्मेटाइजेशन का प्रोसेस है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जॉइंट्स के होने की वजह से जो है जहाँ पर भी क्यूटिकल थोड़ी थिन होगी वहाँ पे जॉइंट बन जाएगा। तो वो जोरदार होने की वजह से भी इंतहाई सक्सेसफुली ये लोकोमोशन भी करते हैं, हर तरह की रनिंग, जंपिंग, मूविंग, स्विमिंग, तो फ्लाई होना करना, ये सारा प्रोसेस अपने ये अपेंडेजेस से करते हैं। इसके अलावा इनके अपेंडेजेस पे सेंसरी हेयर, ब्रिस्टल, स्पाइंस, ये चीज़ें लगी होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं इनकी जो है स्विमिंग को, वॉकिंग को। इसके अलावा फूड हैंडलिंग भी करवाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी सक्सेस में आती हैं कि ये क्यों इतनी डाइवर्सिटी रखते हैं, उसमें आ जाती हैं। इसके अलावा थर्ड पे है एयर पाइप डायरेक्टली टू द सेल। एक तो इनका जो ट्रेकियल सिस्टम है या उसका एयर पाइप है, ये काइटन का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये जो इनका एयर पाइप है वो वहाँ से ट्रैक्यूल जो निकल रहे हैं वो डायरेक्टली सेल को ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। ये कोई इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेस है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, हाई मेटाबॉलिक रेट होगा, और इंटेंस एक्टिविटी के दौरान इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा इनको ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और ये आराम से सक्सेसफुली जो है ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह पाएंगे। फोर्थ जो है वो हाईली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन है। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि इनके इंतहाई जो है इनका, चाहे वो कीमो रिसेप्टर हैं, फोटो रिसेप्टर हैं, यानी हेयरिंग रिसेप्टर हैं, वो सब इनके जो हैं ये जो है वेल डिवेलप हैं, कीनली अलर्ट बाय एनवायरनमेंट, एवरी टाइम ये अलर्ट रहते हैं, कोई इनमें सुस्ती नहीं है, ये इंतहाई एक्टिव हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट में ये बड़े आराम से जो है कीनली वे में ये रह सकेंगे, कीन वे में। तो ये भी इनका रीज़न है। एक और है कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न है, हम इनका बिहेवियर पैटर्न समझ ही नहीं सकते। इननेट बिहेवियर है, लर्निंग भी है, बहुत जल्दी से ये सीख लेते हैं। इननेट जो इनका जो है ये बॉर्न बिहेवियर, पैदाइशी बिहेवियर जो एक्सपीरियंस से नहीं आता, लेकिन जो बाद में ये एक्सपीरियंस से आएगा, लर्न करेंगे, वो सारा इनमें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे तो एक हमारा पूरा लेक्चर हो जाए अगर इसको पढ़ने बैठें तो। बस ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न इनमें होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है लिमिटिंग इंट्रा स्पेसिफिक कंपिटिशन, कि इनका आपस में इनकी स्पीशीज़ का कंपटीशन नहीं है, इवन इनके स्पीशी के अंदर मेंबर्स का भी कंपटीशन नहीं है। इंटर स्पेसिफिक भी कम है, इंट्रा स्पेसिफिक भी कम है। इंटर स्पेसिफिक इस तरह कम है कि ये एक ही इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे, ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं ताकि इनके दरमियान कंपटीशन कम हो। अब इंटर स्पेसिफिक में भी मैं बात करूँ, अगर एक इंसेक्ट है, एक हम कहते हैं कॉटन के प्लांट पे है, तो वो उस पर एक जगह पे नहीं रह रहा होगा, कुछ जो है उसके लीव्स के ऊपर है, कुछ उसके स्टेम के ऊपर है, कुछ उसके जो है वो जो जो बने होते हैं टिंडे बने होते हैं उसके ऊपर है, कुछ उसके कपास का जो फूल होता है उसके ऊपर है, जो हमसे कॉटन निकल रही होती है कुछ उसमें से है, कुछ जड़ के पास है। तो ये इंटर स्पेसिफिक भी इनका कंपटीशन कम है। फिर कुछ हमें जो है वो अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं, कुछ हमें जमीन पे, कुछ टेरिस्ट्रियल हैं, कुछ एयर में है,
कुछ जो है वो एक्वेटिक है, तो इस लिहाज से भी इनमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी कम है और इंट्रा भी कम है। तो इंट्रा जो है वो है मेटामॉर्फोसिस, तो कुछ इनकी लार्वल स्टेजेस हैं, कुछ इसकी प्यूपा स्टेजेस हैं, तो वो एक दूसरे के साथ फिर कंपटीशन, उनकी खुराक भी डिफरेंट होगी। लार्वा और तरह का की खुराक होगी, प्यूपा की और तरह की होगी, एडल्ट की और तरह की होगी। तो इस तरह से इनका फूड के लिहाज से भी कंपटीशन नहीं है, जगह के लिहाज से भी कंपटीशन नहीं है, अपनी पूरी इन्वायरमेंट के लिहाज से इनका कंपटीशन नहीं है, तो सक्सेसफुली ये रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और रीज़न हैं, जैसे हाँ हमने, बल्कि आपने ये नोटिस की, ये बात की होगी, आपके माइंड में भी होगी कि पहले जो है हम किसी भी पौधे पे ऊपर अगर ये इंसेक्ट वगैरह हैं स्प्रे करते हैं, तो उसके बाद जो है जब सेकंड टाइम हमें स्प्रे करनी पड़ती है तो डबल जो है उसकी डोज देनी पड़ती है, उससे अगली दफ़ा ट्रिपल डोज देनी पड़ती है। यानी इनमें जो क्या, मेरा जो ब्रीफली मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं कि इनमें एक खास किस्म का एंजाइम बनता है जिसे रेजिस्टेज एंजाइम कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं उनमें वो रेजिस्टेज एंजाइम पहले से भी ज़्यादा डबल बन के निकलता है, इनमें रेजिस्टेंस पहले से भी ज़्यादा हो जाता है, और इतना रेजिस्टेंस हो जाता है कि फिर हमारी अपनी जो हमने वो जो केमिकल्स बनाए होते हैं वो असर करना छोड़ देते हैं। आप ये देखें, हम मॉस्किटो को रिमूव करने के लिए, उसे मारने के लिए आप देखें कि हमने कितने मतलब स्प्रे जो है वो हम लाते हैं घर में और हम कहते हैं असर नहीं होता। तो वो अब वो कहते, इनका ये कहना होता है, यानी एक वार चल रही है इंसेक्ट के दरमियान और ह्यूमन के दरमियान, और हर दफा जो है जीत जो है इन्हीं की होती है, क्योंकि उस इनमें इतनी ज्यादा ये जो हमने अभी रीजंस पढ़े हैं तो वो हम में नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से ये, यानी कि इंतहाई जो है ये, अब फिर इनमें स्पीशी, अच्छा एक और पॉइंट भी है कि जिसमें इनका हम कहते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी है, कि ये बहुत ज्यादा एवोल्यूशन करते हैं, हर 5वें दिन में हमें इनकी नई स्पीशी नज़र आ रही होती है। तो बहुत ज़्यादा इनमें एवोल्यूशन है, अपनी मॉडिफिकेशन है, और नई से नई स्पीशी इनमें बन रहे हैं, तो रीज़न ही करने बैठे हैं तो बेशुमार निकलेंगे। तो ये वो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसमें हम कह सकते हैं कि व्हाई आर्थ्रोपोड अचीव ग्रेट डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। फिर ये जब, जैसे मैंने मेटामॉर्फोसिस की बात की थी, शॉर्टली हम इसको भी पढ़ लेते हैं अगर टाइम मिला तो, जब इंसेक्ट का करेंगे तो उसमें देख लेंगे, लेकिन बहरहाल जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि इनकी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट भी है, इनकम्प्लीट भी है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहेंगे, होलो मेटाबोलस। कंप्लीट इसलिए है कि इसमें जो एग से हम कहते हैं कि लार्वा टोटली अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता, उसमें लार्वा के बाद प्यूपा आएगी स्टेज, वो पेरेंट जैसी नहीं होगी, उसकी ना फूड वैसी होगी, ना उसकी शक्ल वैसी होगी, ना उसकी स्ट्रक्चर वैसी होगी, और फिर वो जाके कहीं एडल्ट में मिलेगा। तो जब उनकी लार्वल स्टेज टोटली अपोजिट हो अपने एडल्ट से, और बहुत सारी लार्वा और प्यूपा स्टेज भी आए, तो तब हम उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। तो ये किस्में हैं, 88% जो हैं हमारे आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट हैं उनमें आपको ये मिलेगी। इसमें से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, और वो कौन से हैं, जैसे वेस्प है, फ्लाइज हैं, फ्लीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, टर्माइट्स वगैरह हैं, ये इनमें हमें क्या मिलेगी, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलेगी, जिसको होलो भी बोलते हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसे, और 88% यानी कि मैक्सिमम जो है ये क्या रखते हैं, होलो मेटाबोलिस या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कुछ में हमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी मिलेगी, इनकम्प्लीट को हम हेमी मेटाबोलिस भी कहेंगे। इसमें यंग जो है वो निम्फ कहलाएगा, और यंग रिजेम्बल कर रहा होगा अपने एडल्ट के साथ, बस ये है कि एक तो उसका साइज छोटा होगा, थोड़ा कलर का फर्क होगा, हाँ उसमें ये थोड़े अपेंडेजेस भी हम कह सकते हैं कि उसमें जो है वो विंग्स नहीं होंगे, और जो एडल्ट है उसमें विंग्स होंगे, लेकिन वो लग रहा होगा कि हाँ हम उसको देख के कह सकते हैं कि हाँ जी ये एडल्ट जैसा है, लेकिन चेंजेस उसमें फिर भी आएंगी। तो वो जो उसका लार्वल स्टेज है वो क्या कहलाएगा, निम्फ कहलाएगा, साइज में छोटा होगा, कलर में चेंज होगा, उसमें पिगमेंटेशन जो है वो और तरह की होगी, और अपेंडेजेस का फर्क होगा। अदरवाइज उसकी जो शेप है या उसकी जो टोटली अंदर की स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी वगैरह है, वो सेम होगी, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। तो उस दौरान हम ये कहेंगे कि इनका जो यंग है वो निम्फ कहलाएगा, और फिर वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस, इसमें 3 स्टेजेस आएंगी, एग, निम्फ और एडल्ट। जबकि जो होलो है उसमें क्या आएगी, एग, बहुत सारे लार्वा, उनके मुख्तलिफ नेम भी होंगे, फिर बहुत सारे प्यूपा, उनके अलग से नेम होंगे, और फिर जाके जो है एडल्ट।
तो ये इसको हम क्या कहेंगे जो इनकम्प्लीट है उसको हम महमी मेटाबॉलिस्ट या इनकम्प्लीट कहेंगे। और उसमें हमारे पास जो मेंबर हैं वो कॉकरोच है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं क्रिल है, लोकस्ट है, या ग्रास हॉपर है, बग्स हैं, तो इनमें इनकम्प्लीट है। एक और भी टाइप है जिसे हम कहते हैं ए मेटाबॉलिस्ट। ए मेटाबॉलिस्ट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी कि मेटामॉर्फोसिस ना हो जिनमें, इनका यंग जो है वो मुकम्मल तौर पे हम कह सकते हैं कि ये एडल्ट जैसा है, हाँ साइज छोटा होगा और सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगा, अदरवाइज जो है वो बिल्कुल ही जो है वो यंग जो है वो अपने एडल्ट जैसा ही होगा। तो उसमें ये कोई अपेंडेजेस नए नए नहीं आएंगे, कोई और चेंजेस नहीं आएगी। तो ये ए जो मेटाबॉलिस्ट है जिसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये किस में है? ये सिल्वर फिश में है और स्प्रिंग टेल में है। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे निकल सकते हैं। तो थ्री टाइप्स जो है वो हमने ये लाइफ साइकिल में देखी। ए मेटाबॉलिस्ट जिसमें यानी कि मेटामॉर्फोसिस ना होने के बराबर है बल्कि है ही नहीं, फिर हैमी जिसमें कंप्लीट नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट है, और फिर हमने होलो यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पढ़ी। हाँ जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइमरी हार्मोन इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ आर्थ्रोपोड वो कौन सा होगा? अगर यहाँ पर मोल्टिंग हार्मोन है तो तब भी हम ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। एक्डायोसोन है तो तब भी लगाएंगे, तो यहाँ पे एक्डायोसोन आएगा। ना जुवेनाइल हार्मोन आएंगे, ना प्यूपल हार्मोन आएंगे, ना बोथ ए एंड बी आएंगे, इस तरीके का भी आ सकता है। या ये पूछ सकते हैं कि एक्डायोसोन कहाँ से निकलता है, वो कौन से ग्लैंड से निकल रहा है, ये पूछ सकते हैं। या मेन हार्मोन कौन सा है, इनिशिएट कौन, अच्छा ये पूछ सकते हैं कि इनिशिएशन कौन करवाता है, तो वो भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है यानी कि हमने कौन सा पढ़ा, एक्डायोसोन। तो इस हवाले से मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द आउटर थिन लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड इज, इसमें आउटर लेयर का पूछा है, इनर का पूछ सकते हैं। यहाँ पे आउटर है तो हम देखते हैं एक्सो क्यूटिकल है, एंडो क्यूटिकल है, प्रो क्यूटिकल है, एपी क्यूटिकल है, तो यहाँ पर एपी क्यूटिकल आएगा, एपी क्यूटिकल आउटर मोस्ट है। या ये पूछ सकते हैं कि आउटर लेयर थिन है या थिक है, वो पूछ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि कौन सी लेयर है जो काइटन से बनी हुई है। या ये पूछ सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एपी क्यूटिकल किस तरह की है, इसकी एपी क्यूटिकल की कंपोजिशन कैसी है। ऑप्शन में जो है वो क्यूटिकल होगा, काइटन होगा, या ऑप्शन में क्या होगा, प्रोटीन लिपिड होगा, या प्रोटीन लिपिड की जगह बोथ ए एंड बी लिखा होगा। तो इस तरीके से तब हम कहेंगे कि प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। या सेक्लेरिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मुख्तलिफ तरीके से आ जाएगा। या ये पूछ सकते हैं कि प्रो क्यूटिकल जो है उसकी लेयरिंग कितनी है, क्या प्रो क्यूटिकल की अपर लेयर एक्सो क्यूटिकल है या उसकी इनर, या वो एंडो क्यूटिकल है, या प्रो क्यूटिकल जो है वो किसकी बनी हुई है, कितने परसेंट उसमें इंसेक्ट में काइटन है प्रो क्यूटिकल में और कितने परसेंट क्रस्टेशियन में है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं। थर्ड, ग्रास ओपर हैज मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। तो ग्रास ऑपर का जो है वो मेटामॉर्फोसिस जो है वो लाइफ साइकिल में उसका मेटामॉर्फोसिस किस तरह का है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, या हेमी मेटाबोलस है, या बोथ ए एंड सी है। तो ग्रास ऑपर में हमने अभी देखा निम्फ थे, और निम्फ जिनमें बनता है उनकी इनकम्प्लीट या हेमी मेटाबोलस होती है, तो इसमें बोथ ए एंड सी होगा। ग्रास ऑपर की जगह यहाँ पे सिल्वर फिश पूछ सकते हैं, या यहाँ पे जो है वो कॉकरोच का पूछ सकते हैं, या यहाँ पे बटरफ्लाइज का पूछ सकते हैं। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का पूछ सकते हैं, इनकम्प्लीट का, ए मेटाबोलिस का, तो ये मुख्तलिफ तरीके से आ जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचिस, कॉकरोच में, अच्छा ये पीछे जो मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे वो और के पूछे हैं, यहाँ मैंने इंसेक्ट के पूछे हैं, यहाँ ये आ सकता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट, ये कैसा है कि इंसेक्ट के अंदर जो है एक्सक्रीशन कैसी है। तो जब भी हम इंसेक्ट की बात करेंगे, कॉकरोच हमें पता है कि ये इंसेक्ट है, यहाँ पे आप बटरफ्लाई का पूछ लें आपसे, या ग्रास ओपर पूछ लें, या जो है इसके अलावा जो है वो पूछ लें, वेस्प का पूछ लें, फ्लीज का पूछ लें, तो कोई सा भी मॉस्किटो का पूछ लें, तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी इंसेक्ट हैं वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स रखते हैं, वो हम फॉरन मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स लगाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा, फिर ये चूंकि हमने इंसेक्ट आगे पढ़ना है तो इसके मुख्तलिफ सिस्टम के हवाले से वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अब यानी क्लासिफिकेशन का होगा, ये कंटिन्यूड है
लेक्चर जो है ये आज का पार्ट जो है यहाँ तक ही है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा जो आपके साथ आर्थ्रोपोड का, वो मैं क्लासिफिकेशन का शेयर करूँगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। तो उसको बोर नहीं करना, हमने बोरियत वे में आपने नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ, यानी कि हम यही कह सकते हैं कि आप लोग हमारे साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करें, लाइव जो है ये आप लेक्चर लें, क्योंकि ये इसमें से इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आप ये मत समझें कि मैं आपको डाइवर्सिटी करवा रही हूँ, यानी ये सिर्फ जो है ये तो डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी में से चंद क्वेश्चन निकलेंगे। आप ये फॉर्म एंड फंक्शन भी साथ साथ हो रहे हैं, अगर आप देखें तो मैं उसकी फिजियोलॉजी भी करवाती हूँ, एनाटॉमी भी करवाती हूँ इसमें से, यानी कि सिस्टम्स के हवाले से भी हम बात करते हैं कि किसका कौन सा सिस्टम है, किसका कैसा है। एक्सक्रीशन के लिहाज से भी हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मैं जो है वो डिस्कस कर जाती हूँ। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक डाइवर्सिटी नहीं पढ़ रहे, हम बहुत सारे जोलॉजी की ब्रांचेस को इकट्ठी लेके चल रहे हैं। मैं जो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं सिर्फ आपको एक ये ना बताऊं कि ये इसकी क्लासिफिकेशन है, इस फाइलम में ये चीज़ है, इस फाइलम में ये, हम उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स पढ़ रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस को कवर कर रहे होते हैं, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मुख्तलिफ चीज़ों को हम साथ लेके जा रहे होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे, ये भी अपने जहन में ना रखें कि हमने एक पीपीएससी की तैयारी के लिए ये सारा कुछ करना है। यकीन करें कि जो हम स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज़ को स्किप करते हैं या हमारे माइंड में होता है कि हमने इसको नहीं करना, चलो ये छोड़ देते हैं, हमने वो कहीं ना कहीं हमें वो पढ़ाना पड़ जाता है। जब हम एक लेक्चरर की पोस्ट पे होते हैं या एक टीचर बने होते हैं या हमसे कोई पूछ लेता है, तो उस टाइम हमें सबको सेटिस्फाइड करना होता है और वो फिर हमें पढ़ना पड़ता है। जिस चीज़ से भी आप अवॉइड करोगे वो आगे आपकी लाइफ में सामने आएगी, तो हम उससे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक आप जो है आज का मैसेज, ये आज के दिन का आप जो है ये है कि हम जो है हमारा आर्थ्रोपोड का कंटिन्यूड होगा और रहेगा, और नेक्स्ट हम उसकी इसकी क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह।